फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजू, राज आपके सामने है यामा MT15 और मोटरसाइकिल दिखाएंगे सबसे ब्यूटीफुल जो आपके लग रहे हैं। इसके अंदर लगा दिए गए हैं फॉग लैंप जो देख सकते हैं आप, काफ़ी स्लिम ट्रिम और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। लगने के बाद इसके अंदर सबसे पहले इसके दिखाता हूँ वो रोशनी चेक करो पहले। ये देखिए, ये इसकी येलो है और ये है इसकी वाइट, मतलब प्योर वाइट। देख लो सामने, पूरा सामने तक, पूरा देखो रोड पार तक नजर आ रहा है, देखो रोड पार तक नजर आ रहा है, इतनी तेज़ रोशनी है इसकी। तो ये इसमें लगा दी गई है ओरिजिनल HJG की, नॉट कॉपी, नॉट लोकल, नॉट थर्ड क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पे बिलीव ज़्यादा रखते हैं हम। बाकी कस्टमर वो चाहे तो कुछ भी करा ले, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं पूरा जर्मन करवाने, तो जर्मन ही किया गया है इसके अंदर। फिटमेंट देख सको क्या जर्मन तरीके से फिट कर दी गई है, आपका लगेगा भी नहीं कि आपका आफ्टर मार्केट ऐसा लगेगा सर कंपनी से ही फिट होकर आया हो ये प्रोजेक्टर आपका। साथ में इसमें लगा दी गई विंगलेट जो कि आपको देखने मिलेगी, इसमें ब्लैक कलर की लगा दी गई है कि लगी है नहीं, लुक इनहेंस हो जाता है इसे लगने से। साथ में एक वाइजर मिलेगा आपको देखने को जो कि यामा MT15 का जर्मन फिटिंग का है। अब लुकिंग देख लो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसकी भी, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी, ये भी कोई थर्ड क्वालिटी नहीं है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लगाया गया हैज़ार्ड जो कि आपको देखने में लगा, जितनी बार इसके बटन ऑन ऑफ करूँगा पैटर्न्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली चेंज। ये देख सकते हैं आप, ये हैज़ार्ड है जो कि लगा दिया गया इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगाया है ईयर डक, इसे कहते हैं ईयर डक, वैसे ईयर जाली भी बोल सकते हैं, ईयर डक हमने नाम दिया हुआ है इसके अंदर, जो कि आपको देखने मिलेगी, इधर भी मिलेगी साथ में आपको इधर भी मिलेगी। और एक चीज़ और जो लगी हो आगे ध्यान थोड़ा बाद में गया, ये देख सकते हैं रिंग, इसमें लगा है रिंग लाइट, ये रिंग लाइट भी इसमें लगा दी ब्लू कलर की। कलर्स के और भी बहुत सारे आते हैं, अगर आपको और भी कोई कलर चाहिए हो, चाहे इसमें वाइट ले लो, ब्लू ले लो, रेड ले लो, ग्रीन ले लो या ऑरेंज ले लो, कोई भी कलर इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। ये लगाया है फिलहाल ब्लू, क्योंकि कस्टमर की चॉइस पहले होती है। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगा दे, बहुत ही हैवी क्वालिटी का क्रैश गाड़ी, ये देखो हैवी, इसलिए देखो कुछ नहीं हो सकता आपकी गाड़ी को, अगर गाड़ी गिर भी गई ना आपकी तो समझ लो टैंक, TPFC और खुद के लैक्स, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है इससे सेफ। और सिंगल स्लाइडर इधर है, सिंगल ही आपको उस तरफ है, थोड़ा रात का समय है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हॉचपॉच दिख रहा है। देखिए ये लगा दिए गए इसके अंदर, फिटमेंट का एक नंबर है इसकी, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, क्योंकि ये सारे हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसलिए। साथ में एक साइड स्टैंड जैकेट आप देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है ब्लू और ब्लैक की, इससे आपका स्टैंड वगैरह ना इजीली आपका स्टे हो जाता है, क्योंकि अगर जो ये नहीं लगा होता तो ज़्यादातर जो होती है ना डस्ट वगैरह होती है या फिर आपका कीचड़ वगैरह होती है तो वहाँ पर गाड़ी स्किट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उस केस में ये बचा लेती है पूरी तरीके से गाड़ी को आपकी। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं ये टॉप रैक है जो कि लगा दिया गया है, प्रॉपर फिटमेंट के साथ है ये भी। और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर बैक रश जो कि लगा दिए गए, इससे आपका अपना जो प्लेन राइडर होता है ना वो ज़्यादा पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब गाड़ी राइड करते हैं ना तो राइडर को मतलब होता है भगाने से, पीछे वाले फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी है, अब वो चाहे बंदे को पकड़े या किसी को पकड़े, तो भैया ये पूरी सपोर्ट देता है उसको, बहुत ही हैवी क्वालिटी की इसके अंदर लगा दी गई है। तो ये तो थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, सबसे पहले मैं बताऊँगा ये बाइक आई कहाँ से, मैं नहीं बताऊँगा भैया ही बताएंगे, क्योंकि भैया ही आए हैं चला कर इतनी दूर से, और आप लोगों का इतना प्यार है ना कि बस पूछो मत, इस प्यार का मैं भूखा हूँ बचपन से, जो कि जवानी तक मिल रहा है शायद मेरे बुढ़ापे तक मिले, तो पहले मैं भैया से मिलवाता हूँ। तो आइए भैया, कैसे हैं मेरे भाई? बढ़िया भाई, एकदम। तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं रामपुर से आया हूँ। रामपुर वालों ध्यान से देख लो इनको, ये वहाँ से बाइक मॉडिफिकेशन कराने हैं। आपका यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो मैं दिल्ली आया आपके लिए काम कराने के लिए, इसमें बाइक में दिल खुश हो गया, काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करा समझे भाई ने, और मेरी पसंद का काम हुआ, ओरिजिनल ही चीज़ लगाई इसमें, कोई ऐसा नहीं जुगाड़बाजी करी हो। रेट वगैरह कुछ ऐसा तो इशू जो बजट था, बजट में किया? बजट में कहा, बजट के हिसाब से ही इन्होंने काम करा, कोई ऐसा नहीं है कि ये भी लगा लो ये लो, बोले हम अपने हिसाब से काम कर देंगे आप पर निश्चित रूप से समझे। बजट में काम होता है, जर्मन काम होता है। और सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगा कि ये फेक शॉप है? नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल, बढ़िया एकदम, अच्छा लगा आपका काम, और व्यवहार भी अच्छा है आपका, ऐसी बात नहीं है, और मोहब्बत भी है आप लोगों से आते हैं काम कराने की, उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं, ये बहुत अच्छी अहम रोल तो यही है मोहब्बत का। देखिए आदमी तो काम हम तो चाहते हैं कि आप लोग भाई अगर इतनी दूर से हमारे पे इतना प्यार दे सकते हैं तो यार हम यहाँ पर आपका आने के बाद स्वागत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो हम दिल्ली में भी, अगर दिल्ली से बंदा को आ रहा है, हमारे पिछली गली से भी कोई आ रहा है, तो हमारे लिए सेम रिस्पेक्ट उनके लिए भी वही है जो इन बाइक के लिए है, दूर से आने वालों के लिए तो सेम भैया ने बोला रिस्पेक्ट जरूरी है। पैसा तो आदमी हर जगह खर्च कर लेता है, इज्जत जहाँ ना मिले वहाँ पैसा खर्च करना ही वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही। आप ये कार मैकेनिक हो शायद? मैं हेड का काम करता हूँ रामपुर में, मेरी वर्कशॉप है हेड रिपेयरिंग की,
एड्रेस बता दो अपना, कोई आना चाहे तो रामपुर हेड बनाना है, किसी की गाड़ी का गैसकेट फट जाए, हेड में एंड आ जाए तो मेरे पास सरफेसर मशीन भी है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल दीजिए, 9927625942 ये मेरा नंबर है, ये इनका नंबर है। अगर किसी को कार का गैसकेट का हेड वगैरह किसी को काम कराना हो तो सिंपली भैया को कॉल करें और सीधा इनके पास पहुँच जाए, कार का काम कराना रामपुर में, दिल्ली नहीं रामपुर में, सिर्फ रामपुर के अंदर, क्योंकि कार में मैं तो करता नहीं भैया, मैं तो सिर्फ बाइक का करता हूँ, वो भी मॉडिफिकेशन का। तो भैया से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरी जो शॉप है भैया मैं बता दूँ, मेरे को 2.5 साल हो गए करोलबाग के अंदर, SKD के नाम से मेरी शॉप है, SKD बाइक मॉडिफिकेशन के नाम मेरी शॉप है। और पहले मैंने किसी को हायर कर रखा था वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, अब बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है, बहुत सारा फ्रॉड हुआ मेरे साथ, मैं इसके डिटेल में विस्तार में बताऊंगा उसके बारे में बाद में बातें, क्योंकि एक वीडियो प्रॉपर मैं उस पर लाने वाला हूं जल्दी, जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा और शायद उसको भी पता लगेगा उसने जो किया वो बहुत सही किया गलत किया। आप लोग मुझे इसके ज़रूर बताना बाद में कि जब वीडियो डालूंगा तब, अभी तो पता ही कोई पता नहीं आपको कुछ भी कि मैंने उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरी जो SKD की जो फुल फॉर्म है वो है शालू कुलदीप डुग्गू, ये मेरी फैमिली नेम है जिससे कि मैंने शॉप का नाम रखा हुआ है, पिछले 2-2.5 साल से मेरा यही नाम है। अब लोग मुझे डीफेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं, सिंपल सी बात है कि उनको लग रहा है मैंने नाम बढ़ा दिया है तो मेरे नाम को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। तो कृपया उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, यही मैं आशा करता हूँ आपसे। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट में, जब तक के लिए गुड नाइट।